बेवफा 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 निकला है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार करता है तू। आज मैं तो बहुत दुखी हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है और ये बंदा मेरी क्रेविंग पूरी नहीं कर रहा है। मैं इतना पसीना में तर बर होके इसका फेवरेट डिश डेली बनाती हूँ, पर ये देखिए मेरी क्रेविंग को पूरा नहीं कर रहा है। तो मैं लिए आज जो भी बहुत लाता खोई है ये हूँ। बंदा खुद खा लेता है। देखो खदोड़ को, देखो चुप करो, जो लाओ खा जाता पूरा। और पूछो तो बोलता है और मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, ये मेरे साथ प्रेग्नेंट है, खाने में प्रेग्नेंट है, और जब जब मैं खाऊंगी तब तक ये खाएगा। लेकिन मेरा मेरे हिस्से का दर्द सिर्फ मैं ही सहती हूँ, उसके लिए सिर्फ मैं प्रेग्नेंट हूँ, और खाने के लिए यह प्रेग्नेंट है। मेरे ड्राई फ्रूट्स, मेरे जूस, मेरा फल, मेरे स्नैक्स सब खा जाता है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए वो वहाँ ही रहेगा। शर्मा रहो, शर्मा देखा तो मर खा देखा तो मर खा देखा तो गाइस मेरे साथ ये भी प्रेग्नेंट है, बोला आई एम ऑल्सो प्रेग्नेंट। खाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है इन दिनों, तो इसे भी होती है। मैं बोलती तुम्हें भी हो रही है? हाँ मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। नो कमेंट्स। इनको दिन रात क्रेविंग होती रहती है, प्रेग्नेंट कोई भी रहे, बट क्रेविंग क्रेविंग होने का हक और खाने का हक इनका है, इनका इस बंदे का। का है शर्मा गए का बेबी आएगा तो बोलेगा कि बेटा मैंने बहुत बड़ी मेहनत की है तुम पे, इतना गया इतना मेहनत किया है कि मम्मा जब जब खाती थी मैं भी साथ में खाता था। बहुत मेहनत कर रही है, नहीं शादी के 4 महीने बाद तुरंत हो रहा है बच्चा, अब इतना मेहनत कर लिया तो। यहाँ मैं बना रही हूँ ढोकला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को राइस रोटी नहीं चाहिए था, कुछ डिफरेंट खाने का मन था। बयां नहीं कर सकते कैसा लग रहा है, बयां कर दो। पता ही नहीं चल रहा क्या खाया, अब जो भी खा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। इडली कभी कभी लग रहा है, ढोकला कभी कभी लग रहा है, पकौड़ा क्या जी, क्योंकि जानते हो इंग्रेडिएंट सब था लेकिन कम कम था, सूजी कम था और पकौड़ा के लिए वेजीज नहीं थे, तो सब मिक्स करके थोड़ा थोड़ा बना दी। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा, अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा। अब दूसरे लोगों से पूछूंगी एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। और चटनी नु क्या खा रही हो? ढोकला मीठा वाला और एक नमकीन वाला। कैसा लग रहा है? दोनों अच्छा, सिर्फ अच्छा लग रहा है? और बताओ कैसा बना है? टेस्टी है, ढोकला भी अच्छा लग रहा है, चटनी भी अच्छा है, ये नमकीन वाला भी अच्छा है, सब। कौन कौन सी चटनी है? एक तो चना का है और एक ये धनिया पत्ता वाले का है। ओके कैसा क्या हो गया हाथों में? अरे आइस पकड़ रही यार। क्यों? मिर्ची अदरक के सब पीसी थी ना, उसी का हाथ में साइड लग गई। ओह माय गॉड, सब कटोरा चाट चाट के खा रहा है, मेरा जलन दे रहा। मैंने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया। देखो खाने वाला से बड़ा खिलाने वाला होता है, तुमको पता है कि नहीं? और खाना बनाते ही बनाते ऐसा इंसान उब जाता है स्मेल से कि मन करता रहने तो नहीं खाएंगे, मैं तो पसीना से तरबर हो गई। नहीं हम तो नहीं उबते हैं, जिस दिन हम बिरयानी बनाए थे उस दिन 3 प्लेट 4 प्लेट खाए थे। मैं भी नहाने चल रही है, मुझे इतने पसीने आ रहे थे। मुझे गुलाब जामुन चाहिए था तो मेरा पति ये लेके आ गया। कौन बोला था लेके आने ये? अरे यार तुम डेली रात में बोलती हो कि रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए,
तो ये सड़ा हुआ ये वाला पैकेज्ड इकट्ठे आ गया, आप आराम से खाओ, इसमें इसमें स्वाद नहीं आता है। तो अरे यार स्वाद नहीं आता है पैकेज फूड में। तुम बोले थे कि गढ़वा जाएंगे तो ताज़ा ताज़ा खाएंगे, पैकेज फूड नहीं खाएंगे, फिर क्यों लेके आए हो? नरेश का कितना टेस्टी था, नहीं था, मैं गया था तो मतलब पूरे गढ़वा में तुमको कहीं नहीं मिला गुलाब जामुन, पैकेज फूड लेके आए हो। फेरो जल्दी जाके, आज नहीं फिराएगा, जाओ फेरो जाके, मुझे नहीं चाहिए। सोची थी कि रसगुल्ला और आइसक्रीम मिक्स करके खाऊंगी, नहीं खाऊंगी बोल दी, मूड खराब कर दिया तुम मेरा। पैकेज में स्वाद आता है जो एकदम ताज़ा ताज़ा बनाएगा तुम्हारा सर, मैं नहीं खाने वाली। कोई चीज़ मन करता है तो वही चीज़ लाया करो बस। तुम फ़ोन करके पूछे क्यों नहीं, फ़ोन करके पूछे क्यों नहीं, नहीं तो फ़ोन करके मुझसे पूछे कि मैं तो नन्ही पैकेज्ड वाला लेके आ रहा हूँ, उस दिन ताज़ा ताज़ा गरम गरम लेके आया था, कितना टेस्टी लग रहा था। तुम फोन करके पूछे क्यों नहीं, तो ऑफिस हो रहा था तो तुम ही तो गए थे घूमने ना, आधा एक घंटा लगा दिया और एक गुलाब जामुन तक नहीं आया ढंग का। हाँ तो पूरा गढ़वा खोज लिया, तुमको ब्लैक वाला गुलाब जामुन नहीं मिला, वो भी ताज़ा पैकेज आ रहा। दिमाग खराब हो गया, वेट कर रही थी सुबह से। मैं तुम तड़पा रहा ना, याद रखना, तो कोई चीज का मन करेगा तीन दिन तक बोलूंगी। रेहला मिलेगा, रेहला सिलाएंगे, डाल्टनगंज मिलेगा, डाल्टन सिलाएंगे, मिलवाएंगे। रोज तीन दिन से बोल रहे हो ना, क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग हो रही है, तो उसी के लिए तो लाए काला जामुन ही लाए। तो काला जामुन लाए तो पैकेज्ड वाला क्यों लेके आए? पैकेज्ड वाले में स्वाद नहीं होता है, ताजा ताजा जो बनाएगा और जो पैकेज्ड रहेगा फर्क है कि नहीं? इडली बटर में तुमको पैकेज्ड वाला बटर में बना के दी थी कि ताज़ा मैरिनेट की थी तुम्हारे लिए? गुस्सा के भाग रहे हैं, भागिए गाइस। देखिए उसको, उसके लिए रसगुल्ला ले आया हूँ, उसको बताया नहीं मैं जा रहा हूँ उसको सरप्राइज देने। देखता हूँ सो रही है वो, उसको पहले मैंने गुस्सा दिला दिया, वो डब्बा वाला मैं गुलाब जामुन जग रही हो, देखो क्या है सरप्राइज, देखो 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 देखो, अरे देखो वो वाला लाया हूँ गुलाब जामुन, लोकल वाला, लोकल शॉप से, देखो तो देखो देखो इसका, देखो नाटक, देखो खाने में तो नाटक है, देखो देखो खाएगी बैठ के वो पक्का, तो नाटक बहुत हो रहा है, देखो परेशान करती मेरे को। नन्नी देखो क्या लाया हूँ, देखो क्या है, देखो लोकल शॉप से ले आए हूँ रसगुल्ला गुलाब जामुन, लो तो लोकल वाला है ये, डब्बा वाला नहीं है, देखो नाटक इसका, देखो इसका नाटक, खाएगी ये पूरा भर भर के। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, खाओ तो टेस्ट तो करो कैसा है, खाओ तो, खाओ ना। नहीं नरेश का मिला नहीं, दूसरा शॉप का है। अरे जो है लोकल शॉप का है, प्रिजर्वेटिव नहीं है उसमें, खा के देखो। देखो अभी तो नहीं खाना है हमको, नहीं खाना है, खा खा जल्दी खाओ, उठ जाती हूँ आप। हाँ उठ जाओ, देखो खुशी खुशी देखिए, खुशी देखिए, देखिए इसकी खुशी, रसगुल्ला देख के कैसे ये खुश हो जाती है। गुलाब जामुन, हम रसगुल्ला बोल देते बार बार, गुलाब जामुन है वैसे, काला वाला रसगुल्ला है, काला जामुन काला वाला रसगुल्ला और लौंग लत्ता, आज रसमलाई नहीं लाए, रसमलाई भी खाना था मम्मा। चलो बताओ रिव्यू दो, कैसा लग रहा है, कैसा लगा खाने में? देखिए सब खा जाऊंगी, उस दिन वाला ज्यादा टेस्टी था, तुम्हारा मुंह देख के समझ में आ रहा था
नरेश का था उस दिन का। उस दिन वाला इतना अच्छा था, ऐसे तोड़ रही थी तो सॉफ्ट था और भीतर एक दूध वाला स्मेल आ रहा था। और ये है ना अच्छा है, बट थोड़ा टाइट है, टाइट थे और वो ऐसे मुँह में घुल जा रहा था। वो वाला जो हल्दीराम का है वो ऐसे ही घुलता है, दो निकाल के नहीं बैगेज ने खाना मुझे, इतना डांट खाया तब भी असर नहीं करूँगा तुम्हारा। अरे मजाक कर रहा हूँ, हल्दीराम खाऊंगी, प्रिजर्वेटिव नहीं खाना है मुझे। करेक्ट, ताजा ताजा खाना है, खाओ तुम्हें खाओ है नहीं कुछ भी खाती हूँ, आ जाते हो मांगने। बेशर्मा टेस्ट करूँगा तभी तो आगे से फिर डिसाइड करना होगा कि लाना है कि नहीं वहाँ से। कैसा लगा? अच्छा, लौंग लता भी टेस्टी, नहीं लौंग लता टेस्टी है यार, नॉट बैड।